अस्सलामुअलैकुम। वो क्या ना कनाडा का थोड़ा मसला हो सर। अभी हम ट्रक स्टैंड से जो है ना जा रहे हैं एक पार्टी के साथ मीटिंग करने के लिए, और आपको दिखाते हैं रास्ते का सफर। शीशा कर रही थी सर, तू थी सर क्या? शीशा क्या करना है अंदर का? ये गोल भाई अभी हमने क्रॉस किया है, ये टोटल का पंप है। एसी चालू करो क्या? जैसे आगे यहाँ से ऐसी मरे सी ये सामने यहाँ से ऊपर चढ़े लियारी पे, तो ये सीधा सुराब गोड़ जाके उतरेंगे। ये गोदाम है सारे इस तरफ, शेरशाह के गोदाम। हम सीधे 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 जाना है, बिल्कुल सीधे। राइट साइड पे शेरशाह थाना, शेरशाह थाने के साथ दरबार, हज़रत सैयद अली शाह सखी दरबार है। क्यों सजो के वाले ने जुल्म किया हुआ अपने ऊपर। ये मच्छर मोड़ आ गया जनाब, मच्छर मोड़ पे हैं इस टाइम। सुराग और से निकले तो यहाँ पे आगे उतरता है रास्ता। ये यहाँ पे गर्मी की वजह से ना बड़ा बुरा हाल हुआ है लोगों का, बड़ी ट्रैफिक है भाई आज। ये जी पाकिस्तानी रक्षा जा रहा है, इसको सबसे ज़्यादा जल्दी होती है कि मैंने पहुँचना है। अल्लाह के बंदे, तुम्हारे तीन टायर हैं और तुम स्पीड जो है ना इस तरीके से लगा के जा रहे होते हो जैसे ट्रेन की पटरी पे तुम चला रहे होते हो। अल्लाह माफ़ करे, बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड लगाते हैं ये रक्शे वाले। को चाहिए यार एहतियात से चलाया करें। अक्सर मैंने देखा है इनका एक्सीडेंट हो जाता है इस तरीके से, उलट जाते हैं और किसी गाड़ी में जैसे ही हिट करेंगे फ़ौरन उलट जाएंगे। ये पुल बना हुआ है लोगों को, लेकिन लोग फिर भी नहीं, अंदर से नीचे से आएंगे, ऊपर से नहीं आएंगे। फिर कहते हैं यार ये गवर्नमेंट के मसले मसाइल हैं, हम आवाम खुद ही सीधी नहीं होती, गवर्नमेंट क्या करेगी। ये 20 फुटी वाले का काम देखें, बीच में खड़ा हो गया रोड के। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले अगर रोक भी देते हैं ना कि यार थोड़ी देर आवाम को बोलते हैं सब्र कर जाओ यार, तो उनके भले के लिए रोक रहे होते हैं कि यार कोई रश वगैरह ना हो, कि कोई टक्कर ना हो जाए, लेकिन नहीं, ये रुकना पसंद नहीं करते। चल रही क्यों नहीं बटन तो चल, चल रही सामने PNS की बिल्डिंग। ये रास्ता सीधा सुल्तानाबाद जाता है और ये रेलवे ट्रैक बना हुआ है, रेलवे पे जो माल जाता है पाकिस्तान के बाकी शहरों में। बहरिया कम्प्लेक्स इसको कहते हैं जी, बहरिया कम्प्लेक्स। यहाँ से आप शहर फैसल पे भी जा सकते हैं, यहाँ से आप कुरंगी की तरफ भी जा सकते हैं। आगे सुल्तानाबाद आने वाला है, KPT यार्ड आने वाला है सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे सॉरी। नेवी का स्कूल है ये सामने सुल्तानाबाद जा रहा रास्ता। अच्छा ये सुल्तानाबाद आ गया, ये सुल्तानाबाद की मार्केट है सारी जहाँ गाड़ियों के काम होते हैं। ये इस तरफ KPT यार्ड है।
इस्लामाबाद का मेन स्टॉप, ये पंप बना हुआ यहाँ पे टोटल वाला। मिजान बैंक, द इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकर ऑफ पाकिस्तान, ये मेस बनी हुई है रेंजर की। ये सुल्तानाबाद से आगे हम पुल पे चढ़ रहे हैं और अभी हम उतरेंगे ये PIDC के ऊपर। और PIDC पे तकरीबन दो ही मशहूर जगह हैं यहाँ पे PIDC के सामने, दो होटल हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक का नाम शर्टन था तो अब नाम चेंज हुआ है, उसका मूव पिक नाम रखा गया है उसका। और एक PC होटल है मशहूर मरूफ, ये सामने राइट साइड पर देखेंगे तो आपको नज़र आ रही होगी बिल्डिंग शर्टन की, राइट साइड पे PIDC की। और उल्टे हाथ पे आप देखेंगे सिग्नल के उल्टे हाथ पे तो ये आपको नज़र आएगी बिल्डिंग PC होटल की, कराची का बड़ा मशहूर मरूफ होटल है। और लेफ़्ट साइड ये रास्ता सदर की तरफ जा रहा है, हम राइट साइड पे टर्न करेंगे क्योंकि हमने कैंट स्टेशन से होते हुए आगे जाना है। हमने चल पड़े जी, अब हम लोग अभी ये आगे जा रहे हैं हम लोग। ये PIDC होटल है और ये राइट लेफ्ट साइड पे मूव की होटल है। ये सामने स्टेट लाइफ की बिल्डिंग नज़र आ रही है। और ये अब हम वज़ीर आला हाउस क्रॉस कर रहे हैं जनाब, वज़ीर आला हाउस सिंध, जिनकी सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है। तो ये परदेसी लोग हैं, कराची के भाई, उनका घर कराची है और वो पाकिस्तान से बाहर हैं। मेरे ख्याल में वो इस वीडियो को देख कर बहुत इंजॉय करेंगे, अपनी यादें ताज़ा करेंगे, उनको मज़ा आएगा। ये हम सीधे जाके उल्टे हाथ पे कैंट की तरफ जाएंगे। अब तो माशाल्लाह कराची में बहुत काम हो गया है, कराची में बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा माहौल बन गया है, पहले वाला काम नहीं है, कचरे का ढेर जैसे बना हुआ था, अब तो माशाल्लाह बहुत काम किया है कराची में इन्होंने। ये अब अंदर आ गए हम, ये कैंट की तरफ जा रहे हैं, आगे चौक आ जाएगा, यहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो दो तलवार तीन तलवार की तरफ, और लेफ़्ट लेंगे तो सीधा सदर की तरफ चले जाएंगे। ये सिग्नल खुला हुआ है, आगे जा रहे हैं हम। ट्रैफिक का बड़ा मसला है कराची में, आप जब भी गाड़ी ड्राइव करें बड़ी एहतियात से करें और देखभाल के करें, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है कि समझ नहीं आ रहा होता बंदे को कि गाड़ी किस तरीके से ड्राइव करें। न्यू बंदा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, वो ट्रेन बंदे का काम है गाड़ी को ड्राइव करना कराची में। अभी हमारे आगे ये किसी फोर्स का ट्रक लगा हुआ है, या तो ये नेवी का होगा या आर्मी का होगा या एयरफोर्स का होगा, तो देखते हैं ये किस तरफ उल्टा हाथ पे टर्न करें, उल्टा हाथ पे टर्न करें। तो ये हम जा रहे हैं जनाब, ये कैंट पे अब आ गए हम लोग। ये सामने कैंट स्टेशन है, वैसे तो ये लेफ्ट साइड पे रास्ता जा रहा है जिस तरफ हमने जाना था, हम आगे से घूम के आते हैं आपको कैंट स्टेशन दिखाते हैं। कराची में जो बंदे आते हैं, मतलब काफ़ी दूर से आते हैं, जैसे लाहौर से आते हैं, फैसलाबाद, पिंडी से, और पाकिस्तान के दूर दराज के एरिया से आते हैं, तो यहाँ कैंट पे आके उतरते हैं। और ये जो चिंग चुंग चाँ जा रहे होते हैं रक्शे, मतलब कहने का मेरा मकसद यही है कि ये रक्शों पर सवारी करते हैं और बेचारे आगे पीछे जहाँ भी उन्होंने जाना होता है ईजी सवारी, इनको यहाँ से रक्शा मिल जाता है। आप जिस टाइम भी कराची में आएँगे कैंट स्टेशन पर उतरें तो अंदर से किना कराएं, ये गेट है, गेट के बाहर से आएँ और यहाँ से आपको मुनासिब कीमत में रक्शा मिलेगा जो आपको अपनी मंजिल मकसूद पर ले जाएगा। तो हम ये कैंट स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से जो सादे के बादरी मेयर खान के लिए बसें जाती हैं,
आगे जो है अभी फैसल मूवर्स का जो है ना ऑफिस आने वाला है, जो यहाँ से सर्विस है कराची से, उनका मेन ऑफिस ये है। फैसल मूवर्स पाकिस्तान की बड़ी मशहूर मरूफ कंपनी है। अब हम राइट साइड पे लेंगे, इसको स्कूल रोड कहा जाता है। यहाँ पे स्कूल है, तीन चार हैं, तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है। और ये सामने जो है नैब का ऑफिस भी आएगा अभी। नहीं, हम तो नैब में नहीं जा रहे, वैसे बात कर रहा हूँ, नैब का ऑफिस भी आएगा। तो ये उल्टे हाथ भी, ये फैसल वर देखें ऑफिस बना हुआ है। ये पाकिस्तान की कराची में चलने वाली बस है। ये अब हम राइट साइड पे ले रहे हैं। ये हम स्कूल रोड पे आ गए हैं, हम काले पुल की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा काम भी वहाँ पे काले पुल तक ही है, और हमने वहाँ तक ही जाना है, हमारी एक मीटिंग है। तो ये देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा कराची में। अब इसको ख़ासियत बोलें या इसको क्या बंदा कह सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ा एहतियात लाजमी करें जब भी गाड़ी ड्राइव करें। आगे ये चौक आ गया, राइट साइड पे लेंगे तो हम काले पुल की तरफ और शहर फैसल की तरफ निकलेंगे। लेफ्ट पे लेंगे तो ये भी शहर फैसल की तरफ निकलता है, लेकिन पहले हॉस्पिटल आता है, और जना यूनिवर्सिटी आती है, जना हॉस्पिटल आता है, रेजिडेंट प्लाजा आता है। अभी हम राइट साइड पे ले रहे हैं, तो ये हम जा रहे हैं अभी। ये नेशनल मेडिकल सेंटर मशहूर हॉस्पिटल है, उस तरफ भी जाता है, काले पुल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। रेंजर का यहाँ पे हेडक्वार्टर बना हुआ है, और सीएसटी बनी हुई है, काला पुल बना हुआ है। अब हम उस तरफ जा रहे हैं, चलें आपको दिखाते हैं थोड़ा सा आगे चल के। शोर बहुत ज़्यादा आता है। हज़रत सैयद बुखारी, सैयद पीर शाह बुखारी भी ऐसे नाम है दरबार का। ये आगे रेंजर का निशान नज़र आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है ऐसी दीवार जहाँ भी देखें समझ जाएँ कि भाई आगे रेंजर का कोई चौकी है, कोई हेडक्वार्टर है, या उनका कोई पॉइंट बना हुआ है। कहने का मकसद ये होता है। ये पंप है, पंप के साथ देखें ये रेंजर की चौकी बनी हुई है। आगे जो है ना ये रेंजर का हेडक्वार्टर बना हुआ है। माशाल्लाह जी, फ़ख्र है हम अपनी फ़ौज पे। अब्दुल्ला शाह गाजी विंग है ये। यहाँ से हम सीधे जाएंगे आगे, तो सामने काला पुल आएगा। लेबर को कहें कि ये जी गवर्नमेंट की बस खड़ी हुई है, और साइड पे जाएंगे ना आगे थाने के साथ आता है माशाल्लाह होटल। ये हम अभी थोड़ा सा आगे वाले पे के पहुँचेंगे, तो आगे ये काले पुल का सारा मामला शुरू हो जाएगा। ये उल्टे हाथ पे, ये सीधे हाथ पे जो रास्ता जा रहा है, ये जाता है पीएनएस शफा। बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है पीएनएस शफा, जो कराची में रहते हैं ख़ास तौर पे जो फोर्स के लोग हैं उनको पता होगा पीएन शफा हॉस्पिटल का। मेरी वीडियो आप लोगों के नॉलेज में इजाफा भी करेगी। जब आप कराची में घूमेंगे आप ज़रूर मेरी वीडियो का विज़िट करें, और जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो भी इस चीज़ को देखेंगे तो उनको भी मज़ा आएगा कराची कैसा अब दिखता है। कराची पहले बहुत बुरा दिखता था, काम नहीं होता था कराची में, लेकिन अब माशाल्लाह काम हुआ है कराची में, बहुत काम हुआ है। ये भाई की गाड़ी ख़राब हो गई बीच में। भाई मेरी कोई बात बुरी लग जाया करे तो माफ़ कर दिया करें, बस मैं बोल रहा होता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी। अंदाज़ा तन अगर हो जाती है बात ऐसी तो भाई माजरत, किसी की दिल आज़ारी करना मेरा मतलब और मेरा मकसद नहीं है। मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ और बोल रहा होता हूँ, चीज़ें दिखा रहा होता हूँ, तो बंदे के मुँह से बात निकल जाती है ऐसी। सामने सी एस डी है, और राइट साइड पर काला पुल आ जाएगा हमारा। अभी हम सिग्नल पर रुकेंगे, वहाँ पे उतरूँगा। ये सी एस डी है लेफ्ट साइड पे, आगे गोरख कब्रिस्तान। अब हम राइट साइड पे जाएंगे,
वहाँ चल के बात करते हैं कि हमारी मीटिंग कैसे होती है। ये भी काले पुल सिग्नल पे खड़े हुए हैं हम लोग। ये सामने BSO का पंप है, साथ में नर्सरी स्टाफ है। हमें सामने जाना है, हमने काला पुल पे। आपके पास कोई भी गाड़ी हो तो एहतियात करना चाहिए सिग्नल क्रॉस करते, चाहे आपके पास मोटरसाइकिल है चाहे बड़ी गाड़ी है। चलने के लिए आया हूँ वो अंदर, यहाँ पे BAU के अंदर है, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मना है क्योंकि आर्मी का एरिया है, इससे सीधे हाथ पे। तो इंशाल्लाह फिर निकलते हैं तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा और फिर आगे चीज़ें आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ये सारा आर्मी का एरिया है, कैंट है, कैंट के अंदर है। नहीं बनाने देते वीडियो, ओके जी बाद में बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मीटिंग से भी फ्री हूँ मैं और वापस जा रहे हैं ट्रक अड्डे पे, जिससे हम शहर फैसल पे हैं। सामने गोरख कब्रस्तान CSD काला पुल पे मौजूद है, सिग्नल है काले पुल का।